हाय गाइस, दिस इज सर्वेश। वेलकम बैक टू अवर चैनल पावर ऑफ इंडस्ट्री में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका फ्रेंड सर्वेश। तो आज स्टॉक मार्केट काफ़ी कुछ डाउन रहा है और मेरे हिसाब से मेरा पोर्टफोलियो में डाउन रहा है तकरीबन 4% के आसपास। आई होप आपका भी पोर्टफोलियो डाउन रहा होगा। आई होप बोलने का मतलब ये है कि ये स्टॉक मार्केट में चलता है। द मोमेंट दिस टाइप की अगर आप फ्लक्चुएशन देख लेंगे और इनसे आप डरेंगे नहीं तो आप स्टॉक मार्केट में बने रहेंगे। अदरवाइज या तो छोटा बहुत प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे और फिर जब रैली आएगी तो आप हाथ मलते रह जाएंगे, या फिर क्या करेंगे, बने रहेंगे तो एक अच्छी खासी रैली का, अच्छा खासा रिटर्न का अनुभव भी लेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो बने रहेगा। इसमें जो भी कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करूँ तो यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगी बाय सेल की। दिस इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज से ये वीडियो बनाया जा रहा है। बिकॉज कई सारे व्यूअर्स के मेल आए कि सर आज मार्केट बहुत डाउन हो गई, बिकॉज सम पीपल्स आर अनेबल टू राइट ऑन द कमेंट बॉक्स में, उनको ऐसा लगता है कि कुछ फील करेंगे, और दे ऑल्सो रिक्वेस्टेड फॉर द व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप। तो मैंने बोला कि एक्चुअली क्या, जब तक चैनल के 1000 सब्सक्राइबर नहीं हो जाएंगे तब तक मैं व्हाट्सएप ग्रुप या व्हाट्सएप नंबर शेयर नहीं करूँगा। आई विल डेफिनेटली शेयर, एक बार 1000 के आसपास सब्सक्राइबर हो जाएँ वी विल शेयर एवरीथिंग, वी विल और हम अच्छे कनेक्ट होंगे, एक अच्छा सर्किल बॉन्डिंग बनेगी। सो जब हम बात करेंगे तो अच्छा खासा जॉनसन कंट्रोल हिटाची भी गिरा। तो बेसिकली आज मार्केट गिरा क्यों, सबसे पहले बात करते हैं सेंसेक्स की। सो सेंसेक्स में अगर हम देखें तो मार्च 2023 से अच्छा खासा मूवमेंट बना, दैट इज 16-17% का। अगर मैं यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके रखा है तकरीबन 17% अप रहा है सेंसेक्स। और फिर हम बात करते हैं अपना निफ्टी का। निफ्टी का भी अगर हम देखें ना तो निफ्टी का भी सिमिलर है, मार्च से मूवमेंट जो बना वो तकरीबन 17% के अपसाइड गया। बट मेन थिंग इज दैट मिड कैप और स्मॉल कैप की आज अच्छी खासी एक तरह से बीकन से दैट पटाई हुई या फिर प्रॉफिट बुकिंग हुई है। बिकॉज कई सारे स्टॉक्स इन दिस पीरियड मार्च के बाद आपने देखा होंगे पोर्टफोलियो में, या फिर आपने कहीं उनका फिगर आउट या फिर ट्रेडिंग व्यू पे उनका चार्ट देखा होगा, या तो वो डबल हो गए हैं या फिर वो ट्रिपल हो गए हैं। बट ऐसा इतना मार्केट ऊपर गया है क्या और बड़े बड़े स्टॉक्स का नहीं गया है? तो अगर हम देखें निफ्टी मिड कैप का, अगर हम इंडेक्स देखें तो मिड कैप वही मार्च से तकरीबन 45% के आसपास, 43-45% के आसपास मूवमेंट बनाया और आज उसी का फॉल डाउन रहा टोटल। बिकॉज ऐसा नहीं कि कोई लार्ज कैप का स्टॉक थोड़ा बहुत एक्चुअली जब सेलिंग आती है ना तो फिर लार्ज कैप में भी आ जाती है। लोग आगे सोचते हैं ये भी बेच दो, ये भी प्रॉफिट बुक कर लो, नहीं ये भी चला जाएगा। ये ह्यूमन टेंडेंसी, दिस इज कॉल्ड मार्केट साइकोलॉजी। स्टॉक मार्केट की यही साइकोलॉजी होती है, यही जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं जो पैसे कमा रहे हैं या जो नए नए मार्केट में सीख रहे हैं, वो इन साइकोलॉजी से समझ नहीं पाते। बिकॉज यही साइकोलॉजी जो आपको डरा देती है, मार्केट से बाहर निकाल देती है, और यही जो साइकोलॉजी है जो अच्छी खासी समझता है, जिसको एक लॉन्ग पीरियड का अनुभव है, तो वो बने रहते हैं और देखते हैं मार्केट का, एंजॉय करते हैं। अगर पोर्टफोलियो रेड में दिख रहा है तो रेड में देखना भी सीखो, अगर आपने ग्रीन में देखना सीखा है तो रेड में ही अच्छा लगता है, ग्रीन में भी अच्छा लगता है। बिकॉज एक जर्नी होती है, जब रेड से ग्रीन में जाता है तो अच्छा लगता है, ग्रीन से रेड में आता है फिर ग्रीन में जाता है तो भी अच्छा लगता है, बिकॉज आपको एक अनुभव मिलता है। यही लाइफ होती है, हर जगह हर दिन एक सा नहीं रहता है, अनुभव ही आपको मिलते हैं। सो जब हम बात करते हैं तो डेफिनेटली इनमें करेक्शन आना था, बिकॉज करेक्शन इन द सेंस ऑफ अच्छी खासी यहाँ पे पिटाई हुई है, और उसका रीजन भी ये है कि प्रॉफिट बुकिंग होना था। और कल निफ्टी ने जैसे टच किया ऑल टाइम हाई, तो आज उसकी निफ्टी में ऐसा मार्केट नहीं डाउन हुई है। अगर हम देखें ना तो मैं आपको यहाँ पे डिटेल में दिखाना चाह रहा हूँ। एंड अगर हम निफ्टी मिड कैप 100 देखें ना, तो मिड कैप 100 के शेयर जो आप देखेंगे ना सारे रेड में हैं, ऑल शेयर इन रेड, मोस्ट ऑफ द शेयर। ऐसा नहीं कि मार्केट कुछ ख़राब हुआ है, बट क्या है कि निफ्टी का इंडेक्स के कारण लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की है, साथ साथ में कुछ एचएनआई ने भी की है, तो ये सब चीज़ें चलती हैं। एक दो शेयर ही है जो थोड़ा बहुत मूवमेंट बना पाए, वो भी थोड़ा बहुत, कहीं 0.03 एक दो रुपए के आसपास। ओवरऑल यू कैन चेक इट आउट, निफ्टी 100 के मैं आपको मिड कैप के 100 दिखा रहा हूँ, सारे रेड में है। तो ऐसा नहीं कि आपका पोर्टफोलियो रेड है, ऐसा मार्केट का ओवरऑल मार्केट रेड है, तो डरने की कोई बात नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ डरने की कोई बात नहीं है, और अगर लेके रखा है तो यू कैन होल्ड। यही समय होता है टेस्टिंग का, बिकॉज जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो अंदर से डर लगता है, पेपर अच्छा हार्ड आ गया तो और डर लगता है। बट अगर हम उसको थोड़ा सा देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत तो पढ़ा था, और अगर आप थोड़ा बहुत लिखेंगे तो सभी के लिए हार्ड है, तो एटलीस्ट फिर टीचर को भी थोड़ा सा आपके ऊपर दया आ जाएगी, मर्सी आ जाएगी, हाँ भाई चलो आप पेपर ही इतना टाइम बना, तो वी कैन जस्ट डू समथिंग फॉर स्टूडेंट ऑल्सो। सो
मिड कैप की अच्छी खासी पिटाई हुई, स्मॉल कैप में अच्छे खासे स्टॉक पिटे, जिन स्टॉक्स की मैंने वीडियो बना रखे हैं उनमें भी अच्छी खासी गिरावट आई। और बेसिकली क्या है, मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं वो ऑलरेडी काफ़ी नीचे से ही थे, जो ऑलरेडी भाग चुके थे उनके ऐसा जितने नहीं बने। बट मैं आपको ओवरऑल ये बताना चाह रहा हूँ, ये मैसेज इस वीडियो के थ्रू देना चाह रहा हूँ कि डरिए मत, दिस इज़ द मार्केट, यही मार्केट की खूबसूरती होती है। अगर हम निफ्टी 50 को देखते हैं ना, वेयर इज़ द निफ्टी 50, निफ्टी 50, अगर हम निफ्टी 50 के शेयर को देखते हैं तो इतना रेडनेस नहीं आती है। आप देखिए, यू कैन चेक इट आउट हेयर कि निफ्टी 50 में इतनी गिरावट नहीं आई है, थोड़े बहुत शेयर रेड में है, और उसमें भी रेड में जो थोड़े बहुत ज़्यादा भाग गए थे उसी में रैली, जैसे टाटा में आपको दिख रही है, NTPC थोड़ा भाग गया था, ONGC थोड़ा भाग गया था, एंड अगर हम देखें नेस्ले इंडिया थोड़ा सा ग्रीन दिख रहा है, बाकी JSW भाग गया था, महिंद्रा एंड महिंद्रा थोड़ा सा, अडानी पोर्ट्स भी भागा तो वो उसमें थोड़े से गिरावट। तो ये जो शेयर निफ्टी 50 का पार्ट है जो थोड़े से भाग गए थे उन्हीं में अच्छा खासा यहाँ पे एक तरह से वी कैन से दैट थोड़ी सी यहाँ पे पिटाई हुई है। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे आपने क्या बोलते हैं, यह निफ्टी सेंसेक्स 30 के शेयर की बात कर लेते हैं, तो सेंसेक्स 30 में बात करें ना तो उसमें भी इतनी अच्छी खासी गिरावट नहीं हुई, बस थोड़े थोड़े शेयर भी गिरे और वो भी परसेंटेज आप देख सकते हैं ज़्यादा नहीं है। बट क्या है कि जो भी कुछ मार्केट डाउन हुआ है सारा मिड कैप एंड स्मॉल कैप का फॉल डाउन था। ये इतना बड़ा फॉल डाउन नहीं है बिकॉज एक रैली भी आई है, लोगों ने प्रॉफिट भी बुक किए हैं, प्रॉफिट नहीं भी बुक किए तो भी दे आर इन प्रॉफिट। और बट क्या है, एक बार जब प्रेशर आ जाता है लोग सोचते चलो ये भी निकल जाएगा इसको भी सेल करते हैं, थोड़ा बहुत सेल आता है तो और बहाव आ जाता है, तो ये बहाव ही है जिसमें एक लोगों की साइकोलॉजी है, नहीं समझ पाते। बट मेरे हिसाब से एवरीथिंग इज गुड, सेंसेक्स 17% अप है, थोड़ा सा डाउन हुआ है, मिड कैप थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था तो वो थोड़ा ज़्यादा गिर गया है, ऐसे उसमें ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। बेसिकली ये आपकी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि हम क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बट मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि अगर हमने कोई चीज़ बाय की है तो हमको उसको लेके रखना है और अपना ड्यूलेंस करना है। अपना ड्यूलेंस हमेशा ये बोलता हूँ कि आपको अपनी कन्विक्शन आनी चाहिए कि मैं इसमें कितना अच्छा कर सकता हूँ। जैसे बात करें IRFC अच्छा खासा डाउन रहा, रेल विकास निगम भी अच्छा खासा डाउन रहा, SBI VGN ये भी अच्छा खासा डाउन रहा, तो जो शेयर में अच्छी खासी रैली आ गई थी वो शेयर थोड़े से डाउन हुए हैं। और खासकर एक पॉजिटिव न्यूज़ भी है कि IT सेक्टर अच्छा रहा, अच्छा वो मिड कैप का स्मॉल कैप का IT सेक्टर में देखो ना, TCS में अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग, L&T में रहा, इन्फोसिस में रहा, इसमें अच्छी खासी पकड़ रही, मतलब ये शेयर इतने एज सच नहीं गिरे। एंड अगर हम देखें मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में IC Security, तो ये इस टाइप के स्टॉक्स नहीं गिरे। बट जो स्टॉक गिरे हैं उनमें रैली आ चुकी थी वही ज़्यादा गिरे हैं, और जिनमें नहीं आई थी थोड़ा बहुत अपसाइड बना था तो उनमें भी मार्केट का फॉल ओवरऑल आ जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो एज सच मैंने इसलिए बनाने की कोशिश, कई सारे व्यूअर्स की मेल आए तो मैंने चलो रिप्लाई दे देते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, कोई क्वेरी हो तो ज़रूर डालिए और आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेरी। टिल देन अपने पोर्टफोलियो का ध्यान रखिए और अपना ध्यान रखिए और मार्केट की साइकोलॉजी को समझिए कि मार्केट कैसे चल रहा है। जैसे मैंने एक अपने YouTube चैनल पे एक बार एक पोस्ट डाला था, कम्युनिटी में अगर आप जाएंगे तो ये काफ़ी पुराना पोस्ट नहीं है, बट उस मैसेज को अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको बस उसको देखना है। वाई वॉचिंग यू विल गेट एवरीथिंग, कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ या फिर उससे क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। दिस प्रोसेस एवरीवेयर, मैंने लिखा था ये प्रोसेस हर जगह होती है, नॉट ओनली स्टॉक मार्केट। प्रोग्रेस इज नॉट लीनियर, कोई प्रोग्रेस ऊपर नहीं होती है। अगर कोई बंदा यहाँ से शुरू किया तो फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ से शुरू किया फिर नीचे आ गया, फिर वहाँ तक पहुँचा फिर नीचे आ गया। अगर हम देखें ना तो ये इक्वल प्लेस पे आ गया एक पर्टिकुलर सर्टेन लिमिट के बाद, फिर ये फिर जब चलता है ना तो अपने टारगेट को अचीव कर लेता है। आई होप आपको ये सब चीज़ अच्छी लगी होगी। बाय बाय।